आपके बाल भी मेरी तरह लंबे हैं या मीडियम लेंथ के हैं? अगर हाँ तो आपको बन बनाने की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती होगी या फिर आप लगाते होंगे क्लचर्स। पर पर्सनली मुझे अपने बालों में क्लचर्स या पिंस या ढेर सारे बैंड्स लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बनाती हूँ एक ईजी सा पिनलेस बन जिसे बनाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, और वही बन मैं आपको इस वीडियो में आज सिखाने वाली हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बन बनाना पहले से आता हो, लेकिन मुझे नहीं आता था। मुझे कुछ सालों पहले मेरी मम्मा ने बताया, तब जाके मुझे समझ में आया कि इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान होता है, बट देखने से बड़ा मुश्किल लगता है, इसीलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार इसे बनाने की प्रैक्टिस हो गई तो इसको बनाने में 30 सेकेंड से ऊपर नहीं लगते। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये बन कैसे बनाती हूँ, वो भी सिर्फ 30 सेकेंड्स में। ऑलराइट, इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले पार्टीशन कर लेनी है। अगर आप बन को पार्टीशन के साथ बनाना चाहते हो, या तो आप साइड से पार्टीशन कर लो या फिर मिडिल से कर लो। मैं पार्टीशन करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं अपने सारे बालों को इस तरह से पीछे लेके जाऊंगी। जैसे हम पोनी टेल बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से आपको सारे बालों को एक पोनी टेल की तरह लेकर के आना है। मैं जब भी बन बनाती हूँ तो मैं बिल्कुल ऊपर बनाना पसंद करती हूँ, बिल्कुल अपने हेड के टॉप पे। लेकिन अगर मैं अभी टॉप पे बनाऊँगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए पूरा प्रोसीजर। तो अभी इस पोनी टेल को थोड़ा नीचे लेके जाऊँगी मैं। आप चाहें तो आप बन यहाँ भी बना सकते हैं जहाँ पर मेरी पोनी टेल है, या फिर यहाँ बिल्कुल टॉप पर बना सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा पेन होता है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं और हैवी बन से आपको पेन हो रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ बिल्कुल बॉटम में भी बना सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगी, अपने लेफ्ट हैंड से इस पोनी टेल को होल्ड करूँगी और अपना राइट हैंड इस तरह से पोनी टेल के बिल्कुल नीचे लेके जाऊँगी। अब अपनी पोनी टेल को लूज़ करते हुए अपना लेफ्ट हैंड थोड़ा सा नीचे लाऊँगी, और अब ज़रा मेरे राइट हैंड पर गौर करिएगा। राइट हैंड से इस तरह से मैं अपनी पोनी टेल को पकड़ूँगी और एक लूप बनाऊँगी। ठीक है, ये बन गया मेरा लूप जो कि मेरे राइट हैंड में है, और ये जो बचे हुए हेयर है मेरे, इसको मैं इस तरह से पूरा रैप कर दूंगी। लेफ्ट हैंड में जितना आपको हेयर दिख रहा है सिर्फ इतने हेयर बाकी हैं, और इसको मैं थोड़ा ध्यान से पकड़ूंगी, नहीं तो अगर ये छूट गया तो फिर आपका पूरा बन बर्बाद हो जाएगा। अब आप देखिएगा, ये जो राइट हैंड में लूप है इसे मैं पूरा इस बन के ऊपर कवर कर दूंगी जिससे ये सिक्योर हो जाए, और अपने बन को इस लूप से मैंने सिक्योर कर दिया है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल नीट सा स्लीक सा बन रेडी है, और इसमें आप बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हो ताकि ये और बेटर लगे। अगर आप घर में हो और आपको बिल्कुल इंस्टेंट बन बनाना है तो ये तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, लेकिन अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, और आप इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देना चाहते हो, तो आप इस बन को पीछे से डेकोरेट भी कर सकते हो, या तो फ्लावर से या फिर हेड ज्वेलरी से। और आप चाहो तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा अपने हेयर को पुल भी कर सकते हो ताकि थोड़ा बेटर लुक दे। और अब मैं आपको बिल्कुल हाई बन बना के दिखाऊंगी जहाँ पे मैं बनाना पसंद करती हूँ। अब फिर से देखिए, राइट हैंड को इस तरह से मैंने अपने पोनी टेल के नीचे ले आया, और लेफ्ट हैंड को लूज करते हुए मैं नीचे लेके जाऊंगी, और इस तरह से राइट हैंड से अपनी पोनी टेल को होल्ड कर लूंगी और अपने हाथ को यूं घुमा दूंगी। ठीक है, अभी जो लेफ्ट हैंड में मेरे हेयर बचे हुए हैं इसे इस तरह से रैप कर दूंगी। अब ये जो एंड बचेगा इसे थोड़ा सा ध्यान से इस तरह से मैं सिक्योर कर लूँगी। अब इस राइट हैंड में जो लूप है इसे अपने बन के ऊपर चढ़ा दूँगी, एंड इट्स डन। सो गाइज, ये था मेरा इजी सा सिंपल सा पिनलेस बन जिसे मैं सिर्फ 30 सेकंड्स में बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए अपनी सभी दोस्तों के साथ। मैं मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।